मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स इन स्मार्ट लो, माई सेल्फ शोभा सिंह, योर इंग्लिश टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टडी करेंगे, आज जो हम पढ़ेंगे, वो है हमारा पोएम पालन क्वीन बियरर। पालन क्वीन बियरर जो है सरोजिनी नायडू द्वारा लिखा हुआ है, एक पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है। स्टूडेंट्स, ये जो पोएम मिसेस सरोजिनी नायडू जी ने लिखी है, वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, साथ ही साथ वो एक अच्छी पोएट भी थी। उन्होंने जो कॉलोनियल रूल था उसके अगेंस्ट जाकर हमारे देश की जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई थी उसमें भाग लिया, और काफ़ी सक्रियता की भूमिका उन्होंने निभाई। सिविल राइट्स की सपोर्टर रही हैं, महिलाओं के पक्षधर रही हैं, महिलाओं की शिक्षा के प्रति उन्होंने बहुत कार्य किया है। तो सरोजिनी नायडू जो वो नाम है जिसे हर कोई जानता है, और ये उनकी पालन क्वीन करके जो बियरर्स, पालन क्वीन बियरर्स जो है, बहुत ही मतलब प्यारी पोएम है। तो आइए हम पोएम को समझें और क्या है जाने। सरोजिनी नायडू जी ने लिखी है पालन क्वीन बियरर्स। स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो है इसका जो पालन क्वीन जो दो वर्ड्स शब्दों से मिलकर बना है, हम पहले उसका मतलब समझ लेते हैं। पालन क्वीन का मतलब होता है पालकी या डोली, है ना, आपने देखी भी होगी, वो कुछ इस तरह से होती है। आजकल शादी में फिर से चलन सा हो गया है कि पालकी में बैठ के ही दुल्हन जाती हैं। सो पालन क्वीन जो है पालकी कहते हैं, डोली कहते हैं उसको हिंदी में। बियरर्स मीन्स कहार, या उसे धारक कहते हैं, मीन्स जो उसको पकड़ के चलता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आगे और पीछे दो जगह किस तरह का वो स्टैंड सा स्टिक सा लगा रहता है, जिसको पकड़ के ये लोग चलते हैं। पालकी कुछ इस तरह से होती है, जिसमें जो है बधू राज या पहले के ज़माने में राजकुमारियाँ जो है अंदर बैठकर जाती थीं, और जो इसको चलाते हैं उन्हें हम धारक या बाहक कहते हैं। ये जो है, ये सब जो है धारक हैं। बधू जो है वो अंदर बैठी हुई है, और धारक जो है, ये जो कहार जिन्हें बोला जाता है हिंदी में, धारक बोला जाता है, बाहक बोला जाता है, जो कि एक चीज़ को एक जगह से, किसी भी वस्तु या जो है सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वालों को बाहक या धारक कहा जाता है। तो ये जो है इन्हें हम बाहक या धारक कहते हैं। तो बियरर्स जो इंग्लिश में वो ये हैं, और ये हमारा पालन क्वीन है, और ये हमारे बियरर्स हैं। ये पोएम है जिसमें नववधु जो है ये डोली में बैठी हुई है और कहार इसे लेकर जा रहे हैं। ये पोएम तीन पैराग्राफ में दी गई है, हम तीन तीन लाइनों को लेके एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट वन जो थ्री लाइंस हैं, लाइटली और लाइटली बी बियर हर अलोंग शी सवे लाइक अ फ्लावर्स इन द विंड ऑफ अवर सॉन्ग शी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम। अब हम इस पोएम में पहले जो वर्ड आए उन्हें देखते हैं, जो शब्द आए। एक तो है लाइट माने हल्के से, अलोंग मीन्स साथ साथ या कहते हैं बराबर बराबर, स्किम फिसलना, फॉर्म झाग, स्ट्रीम मीन्स नदी की धारा। चलिए अब हम इसको क्लियर करते हैं इन तीन लाइन को। लाइटली और लाइटली बी बियर हर अलोंग मीन्स हल्के से, बहुत कोमलता से हमने उस डोली को उठा के रखा है, उस डोली को हम ले रहे हैं, उस डोली को हम लेके जा रहे हैं जिसमें एक दुल्हन बैठी हुई है। वी वियर हर अलोंग, हम उसे अपने साथ लेके चल रहे हैं, लेके जा रहे हैं। सी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ अवर सॉन्ग, जो पालकी बियरर हैं तो वो जो पालकी को जब वियर करते हैं तो साथ साथ में गाते हुए भी जा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे बहुत सुंदर संयोग बताया है कि जब वो गाना गा रहे हैं, मतलब पालकी भी लेके चल रहे हैं और साथ में गाना गा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब हवाएं चल रही हैं और फ्लावर भी इसमें झूम रहे हों, कुछ इस तरह से हिल रहे हैं, हवाएं बह रही हैं, फ्लावर चल रहे हैं, हवाएं बह रही हैं, फूल लहलहा रहे हैं, लहरा रहे हैं। थर्ड लाइन, शी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम। चलिए इसको हम समझते हैं। जब कोई नदी बहती है ना, तो उस नदी के ऊपर से हवा भी बहती है, और मान लो जब वो नदी बह रही है और उसके ऊपर से जो हवा चल रही है, वहीं पे कोई पक्षी जो उड़ रहा है, तो उस पक्षी को अपने उड़ने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि वो हवा के बहाव से बहता ही चला जाता है। सिर्फ उसको अपने पंखों को डायरेक्शन देना होता है, दिशाएं देनी होती हैं किस दिशा में उसको उड़ना है। मतलब इतना स्मूथ हो जाता है नदी के ऊपर से बहने वाली हवा से कि उन्हें कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ता। तो कहारों का भी कहना यही है कि
हम लोग जो हैं कितना स्मूथली अपने आप सब बहता चला जाता है। कहारों का भी यही कहना है कि हमें कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ रहा, तो इस तरह से चल रही है जैसे एक हल्की सी हवा हमें खुद अपनी दिशा में बहाए ले जा रही है। इतनी हल्की पालकी है कि हमें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हम दिशा दे रहे हैं, बाकी वो हमारे साथ बह रही है, चल रही है। ठीक उसी तरह से जैसे एक पक्षी जो है नदी की धारा के ऊपर बहता चला जाता है, इसी तरह से हमारी पालकी भी बह रही है, चल रही है। नेक्स्ट थ्री लाइन्स जो हैं, सी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम, गेली ओ गेली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, वी वियर हर अलॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे जो है पहले हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। पोएम में जो वर्ड आए हैं गेली, गेली मीन्स होता है प्रसन्नचित्त होना, होकर या प्रसन्नचित्त होना, ग्लाइड मीन्स फिसलते हुए तैरना, और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है, इट्स अ स्ट्रिंग नॉट अ स्लिंग, स्लिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स धागा है ना, जो एक पतला धागा होता है ना वो, पर्ल मीन्स मोती। तो ये हमारे वर्ड मीनिंग है इस थ्री लाइन्स के। जो बियरर्स हैं वो कहते हैं कि शी फ्लोट्स लाइक अ लव, माने ये पालकी ऐसे चल रही है, से मुस्कुरा रही है, फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम, मीन्स कि जब हम सपना देखते हैं तो हमारे लिप्स कैसे हिलते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, थोड़ा फड़कते से हैं हमारे लिप्स, तो इसी तरह से जो है ये जो पालकी है वो भी चल रही है, जैसे सपने में मुस्कुराते हैं और उसी तरह से ये पालकी भी फ्लोट कर रही है, पालकी भी चल रही है मुस्कुराते हुए। गेली ओ गेली बी ग्लाइड एंड बी सिंग मीन्स कि इतने प्रसन्नचित, बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित हो रहे हैं, बी ग्लाइड हम ग्लाइड कर रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, एंड बी सिंग मीन्स कि वो जो डोली लिए हुए हैं वो इतने मतलब पकड़े हुए, इतने प्रसन्नचित महसूस कर रहे हैं, इतना प्रफुल्लित हो रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो ग्लाइड कर रही है, अपने आप फिसल रही है, हम फिसल रहे हैं, और वी सिंग साथ ही हम गा रहे हैं, माने वो जो कहार हैं, जो बियरर्स हैं ये जो हैं वो गाते हुए चल रहे हैं, और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, बहुत खुश हो रहे हैं कि जैसे ये तो हमारी डोली जो है वो ग्लाइड कर रही है, हम भी ग्लाइड कर रहे हैं, हम भी फिसल रहे हैं। वी वियर हर अलॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, माने हमने उसको ऐसे वियर कर रखा है, हमने उसे ऐसे मतलब पकड़ रखा है, ऐसे उसको हम चला रहे हैं कि जैसे कि एक स्ट्रिंग में जो पर्ल पड़े होते हैं, माने पर्ल मीन्स मोती, स्ट्रिंग मीन्स धागा, आपने देखो धागा में जैसे मोती पुरोए होते हैं, कुछ इस तरह से हमने भी उसे उसके साथ साथ हम भी चल रहे हैं, हम भी उसके साथ हो रहे हैं। जिस तरह से देखिए मोती जो है धागे में पिरोए हुए हैं, कहारों का कहना यही है, बियरर्स का कहना यही है कि हम भी उन्हें इसी तरह से लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट लाइन, सॉफ्टली ओ सॉफ्टली वी वियर हर अलॉन्ग, सी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ अवर सॉन्ग, सी शी स्प्रिंग्स लाइक अ बीम ऑन अ ब्रो ऑफ द, सी फॉल्स लाइक अ टीयर फ्रॉम आईज ऑफ अ ब्राइट। सो यहाँ पे जो है जस्ट मिनट, क्लियर नहीं हो रहा है, यस ब्रो ऑफ द टाइड, शी फॉल्स लाइक अ टीयर फ्रॉम आईज ऑफ अ ब्राइट। इस स्टेंजा के वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। हैंग मीन्स लटकना, ड्यू मीन्स ओस, आपने ओस देखी होगी सर्दियों के टाइम जो है पत्तों के ऊपर आ जाती है ड्यू, बीम मीन्स किरण, सॉफ्टली और सॉफ्टली वी वियर हर अलॉन्ग मीन्स हम बड़े ही कोमलता से, बड़ी ही नाजुकता से, बड़े ही होले से इसे लेके चल रहे हैं, हम साथ साथ चल रहे हैं, अलॉन्ग ना मतलब बराबर में चलना, साथ साथ में चलना, वो कई सारे कहार हैं ना, सो हम साथ साथ चल रहे हैं। सी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ अवर सॉन्ग मीन्स कि वो इस तरह से लग रही है कि माने जो दुल्हन है, जो पालकी को हम जो पकड़े हुए हैं उसमें जो दुल्हन बैठी हुई है, वो इस तरह से लग रही है कि वो जो है एक तारे की तरह लटकी हुई हैं उस पालकी में, और ड्यू ऑफ अवर सॉन्ग माने हमारे, और वो हमारे गाने की एक ओस की बूंद के समान लग रही है, कि वो हमारे गाने की एक ओस की बूंद के समान है। नेक्स्ट, स्प्रिंग्स लाइक अ बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड मीन्स इस लाइन को हमको समझना, तो हम इस तरह से इसको देखेंगे कि मानो जब समुद्र में जब कोई ज्वार भाटा आता है, वोल्केनो आता है,
तब जो लहरें आती हैं, शुरुआत में वो छोटी लहरें होती हैं, उसके पीछे और बड़ी लहरें, फिर और बड़ी लहरें, और बड़ी लहरें, मानी बड़ी बड़ी लहरें आती चली जाती हैं। तो यहाँ पे भी जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं कि छोटी लहर की बात कर रहे हैं, वो उस बीम की बात कर रहे हैं। जब रोशनी की किरणें जो हैं उस छोटी सी ब्रो पे पड़ती हैं, मीन्स यहाँ पे छोटी सी ब्रो से मतलब होता है, ब्रो का मतलब होता है छोटी सी लहर। तो जब सूर्य की किरणें जो हैं वो छोटी सी लहर पे पड़ती हैं तो कितना सुंदर सा दृश्य नज़र आता है, कितना सुंदर सा दृश्य बन पड़ता है। यही इमेजिनेशन जो है, ये जो बियरर्स हैं, जो डोली के धारक हैं, वो कर रहे हैं। शी फॉल्स लाइक अ टीयर फ्रॉम आईज ऑफ अ ब्राइट। जब कोई लड़की विदा होकर जाती है तब उस कन्या के, उस दुल्हन के अनवरत आंसू बहने लगते हैं और उसके आंसू थमने का नाम नहीं लेते और अनवरत बहते चले जाते हैं। ठीक पालकी भी उसी तरह से जैसे आंसू बह रहे हों झरने की तरह वधू की आंखों से, उसी तरह से हमारी पालकी भी बहती चली जा रही है। Lightly or lightly we glide and sing, we wear her along like a pearl on a string. Lightly or lightly we glide and sing. हम हल्के से, बहुत नाजुकता से उसे लेकर चल रहे हैं, फिसल रहे हैं, मतलब ग्लाइड कर रहे हैं, मीन्स कि जो इतनी हल्का है, इतना नाजुक सा है कि वो लग रहा है जैसे अपने आप ही फिसल रहा हो, और एंड सिंग, और हम गा रहे हैं। वी वेयर हर अलॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, हम उसको ऐसे वेयर कर रहे हैं जैसे कि स्ट्रिंग में पड़ी हुई पर्ल हो, माने इतने आसानी से, इतने नाजुकता से हम उसे लेके जा रहे हैं। पर्ल, अब यहाँ पे ये कहना भी एक मतलब है कि पर्ल जैसे एक स्ट्रिंग में पड़ी हुई, कई बार पर्ल को, पर्ल हिलती रहती है, ठीक उसी तरह से हिचकोले खाती है, इसी तरह से हम भी इसको लेके चल रहे हैं, इस पालन क्वीन को लेके हम चल रहे हैं। तो ये हमारा स्टूडेंट जो पोएम था उसका एक्सप्लेनेशन था, होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में दूंगी।